हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं हूँ कंचन। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में वीडियो बनाने जा रही हूँ कि जो कि हमारे घर में अवेलेबल रहता है, हमें उसको यूज करना नहीं आता, हम उसकी प्रॉपर्टी को नहीं जानते कि उसके अंदर कितने सारे गुण है, यानी कि वो चीज जो है गुणों का भरमार होता है और वो हर घर में पाया जाता है। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? कोकोनट ऑयल की। जी हाँ, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और हमारी स्किन को वो हमेशा के लिए टाइट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है। अगर हम किसी भी चीज़ का ना यूज़ करें, कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, तो हमारी सभी स्किन की जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। और कोकोनट ऑयल तो हम कई तरीके से यूज करते हैं, हमारे हेयर के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिट होते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट। सबसे पहले तो कहूंगी कि आप अपने बॉडी को इंटरनल हाइड्रेट करिए। सबसे जरूरी चीज होता है अपनी बॉडी को इंटरनल हाइड्रेट नहीं करेंगे तो ऊपर से करने का कोई भी फायदा नहीं है। और झाइयों का सबसे बड़ा रीजन होता है हार्मोनल चेंजिंग, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, 35, 40, 45 से अब होती है, तो हमारे जो होते हैं हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उनसे भी झाइयां वगैरह हमारे फेस में हो जाती है। तो जो जरूरी है कि आपको अपने खान पान में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ज्यादा ऑयली चीज को अवॉइड करो और अपने अंदर से अपनी बॉडी कोकोनट ऑयल से हमारी स्किन की सभी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर हमारी स्किन में झाइयाँ हो रही हैं, हमारी स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ रही है और पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा हो रहे हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि इसमें जो है भर भर के प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुणों का भरमार होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। अगर आपको कहीं आप जल गए हो, कट गए हो, आपके बॉडी में कहीं निशान है, तो इसको आप डेली बेसिस में यूज करोगे तो वो सभी जो निशान होते हैं, यहाँ तक कि कोकोनट ऑयल को डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, हमारे स्किन में उम्र के हिसाब से धीरे धीरे कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे कोकोनट ऑयल यूज करोगे तो देखोगे कि जो आपको ब्लैक स्पॉट्स आए हैं वो धीरे धीरे हल्के हो जा रहे हैं और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आप इस कोकोनट ऑयल को जरूर यूज करो अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारी स्किन को डल नहीं होने देती, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। और हमारी जितनी एजिंग भी प्रॉब्लम, अगर एजिंग की प्रॉब्लम आ रही हो आपकी स्किन में, तो ये एजिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। मेन प्रॉब्लम होती है एजिंग की प्रॉब्लम, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम, तो हमारी स्किन में फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आती है, तभी धीरे धीरे झुर्रियां होती है। तो आपको अगर इन सभी प्रॉब्लम से बचना है तो आपको कोकोनट ऑयल आप यूज करो। और ठंडियों में नहाने के बाद हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो और अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप इस कोकोनट ऑयल को एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है। मैंने तो ट्राई किया है और इसका देखा भी इफेक्ट, जितना आप बॉडी लोशन से नहीं इफेक्ट पाओगे उतना आप इफेक्ट आपको कोकोनट ऑयल से मिलेगा आपकी स्किन। अगर आप बॉडी लोशन कोई लगाते हो, थोड़ी देर बाद हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, उसका असर खत्म हो जाता है, लेकिन इस कोकोनट ऑयल का असर बहुत देर तक रहता है और हमारी स्किन बहुत देर तक मॉइस्चराइज रहती है। तो आज मैं कोकोनट ऑयल की एक ऐसी छोटी सी रेमेडी लेके आई हूँ जिसको यूज करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पिगमेंटेशन की, हाइपर पिगमेंटेशन की, मेलास्मा की, झाइयों की, और आपकी स्किन जो है ठंड में ड्राई हो रही है, लूज हो गई है, सभी प्रॉब्लम जो है दूर होगी इस रेमेडी से। और बहुत छोटी सी रेमेडी है, इसमें कुछ भी चीज़ यूज नहीं, ज़्यादा चीज़ नहीं यूज करना है, आपके घर में आसानी से ये चीज़। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इस रेमेडी में क्या क्या यूज करना है और इसको कैसे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है। आप जितने दिन के लिए ये रेमेडी बना रहे हो उसके अनुसार आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। उसके बाद मैंने कस्तूरी हल्दी लिए हैं। हल्दी के भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरस,
बहुत सारी स्किन प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच कस्तूरी हल्दी लिया है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो बस मेरी छोटी सी रेमेडी हो गई है तैयार फेस में अप्लाई करने के लिए। है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसके गुण तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए रेमेडी हो गई है तैयार, अब इसको फेस में कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, मैं आपको सब बताती हूँ। अब इस रेमेडी को आपको रात में सोते समय लगाना है और हाथ फेस में अपने आपका फेस क्लीन होना चाहिए। बस आपको इसको अपर पोर्शन पे, अपर डायरेक्शन की तरफ आपको इसको मसाज करके हल्के हाथों से लगाना है। इससे आपके दो फायदे होंगे, आपकी लिफ्टिंग मसाज भी होगी, यानी कि आपकी फेस की अपर लिफ्टिंग होगी। जैसे कि फेस में लूज ढीलापन आ रहा है, तो इस मसाज से आपके फेस में कसाव भी आएगी, आपकी स्किन अगर लूज हो रही है तो वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। और हल्दी में, कोकोनट ऑयल में, दोनों में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब ये दोनों मिक्स हो गए तो और भी इनके गुण तो और बढ़ गए, और भी ये हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद हो गए हैं। यानी क्योंकि हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है, एंटी फंगल होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। पहले ज़माने में हमारी दादी नानी बताती थी कि कहीं भी अगर ब्लड निकल रहा हो, कट गया हो, तो आप हल्दी तुरंत लगा लेते होगे तो वो ब्लड जो है बंद हो जाता है। और कोकोनट ऑयल के भी इतने सारे फायदे हैं, ये हमारी स्किन से जो डलनेस होती है उसको दूर करता है, झाइयों को दूर करता है, फाइन लाइंस को दूर करता है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, सभी की प्रॉब्लम को दूर करता है। इस रेमेडी को यूज़ करने से अगर आपके आँखों के चारों तरफ डार्क सर्कल है तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, झाइयों की प्रॉब्लम तो दूर होती ही है। समय के अनुसार आपकी स्किन ढीली हो रही है, तो इस रेमेडी को मसाज करने से आपकी स्किन टाइट भी हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा है छोटी सी रेमेडी को कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का और इसको लगाने का भी। छोटा सा तरीका है बनाने का और छोटा सा तरीका है लगाने का, लेकिन फायदे इसके बड़े बड़े हैं, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम इस रेमेडी से दूर हो रही है। तो हम लोग का क्या जाता है, दो मिनट या मुश्किल से एक मिनट लगेगा इस रेमेडी को बनाने में और लगाने में। और आपको मसाज करना है, मसाज से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा स्किन का, आपके फेस में इतनी सारी प्रॉब्लम की जितनी सब दूर हो जाएंगी। और हल्दी में भी आप जानते हो बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, जो कि हमारे सभी निशानों को दूर करती है, दाग धब्बों को दूर करती है। तो दोनों चीज़ जो है बहुत ही हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, बहुत सारे इसके बेनिफिट है। तो प्लीज़ गाइज, आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखना और ट्राई करके बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, क्या आपको इस रेमेडी से फ़ायदा हुआ है, अपनी स्किन में फ़ायदा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना कि छोटी सी रेमेडी मेरी कैसी लगी। तो गाइज, अब अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी सी रेमेडी और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक करना। आप लोग देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग का लाइक बहुत मोटिवेट करता है हम लोग को एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप वीडियो को देखते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने में क्या जाता है, हम लोग को मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर पहली बार आए हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, फैमिली को भी शेयर करो, सबको फायदा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।